find your way back home. Hi guys, how are you all? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस. एंड यू नो अक्टूबर वाला मंथ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बिकॉज इसमें सारे फेस्टिवल्स होते हैं. दिवाली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल एंड ऑफ कोर्स हु डजंट लव दिवाली फेस्टिवल. मैंने दिवाली फेस्टिवल के लिए ईजी सा यू नो मेकअप लुक क्रिएट किया है जो आई थिंक आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा. काफ़ी ईजी एंड यू नो ग्लिटरी मेकअप लुक है. एंड दिवाली पे आई थिंक कुछ ग्लिटरी तो डेफिनेटली बनता है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ दिवाली फेस्टिवल. तो आप चाहो तो ये लुक आप भी यू नो अपने दिवाली फेस्टिवल के लिए क्रिएट कर सकते हो. एंड अपने आउटफिट के हिसाब से आप अपने आई शेडो के कलर्स चूज कर सकते हो. इट्स कम्प्लीटली योर विश. सो टू चेक हाउ आई क्रिएटेड दिस ईजी मेकअप लुक प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर रही हूँ अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज बिकॉज आपको मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है. इसके बाद मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर अपने पोर्स फिल करने के लिए ताकि जो मेकअप होता है वो आपके पोर्स के अंदर नहीं जाए. तो उससे पहले हम अपनी स्किन के जो भी पोर्स होते हैं उनको अच्छे से प्राइमर के साथ क्लोज कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेप है मैं यहाँ पे अपने लिप्स मॉइस्चराइज कर रही हूँ क्योंकि अगर आप एक मैट लिप कलर यूज़ करने वाले हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर लिप्स एज वेल. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस फेसेस का फाउंडेशन एंड आई एम यूजिंग दिस डैम ब्यूटी स्पंज फ्रॉम नायका टू ब्लेंड दिस फाउंडेशन. द होल टेक्निक इज जस्ट ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग. एंड येस डू नॉट फर्गेट टू कवर योर नेक एरिया एज वेल. नाउ आई एम टेकिंग मेबेलिन एज रिवाइंड कंसीलर एंड आई एम गोइंग टू कवर ऑल द पिगमेंटेड एरियाज एंड द डार्क सर्कल्स, द एरियाज विच आर डार्क एंड यू कैन डेफिनेटली यूज कंसीलर टू कवर देम अप. सो इसके बाद मैं डैम ब्यूटी स्पंज के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूंगी. मेक श्योर कि आप इसको एक या दो मिनट के लिए छोड़ दें कंसीलर को लगाकर. इससे क्या होता है कि आपको एक बहुत अच्छा कवरेज मिलता है आफ्टरवर्ड्स. नेक्स्ट इसके बाद इसको आपको सेट करना है अपने कंसीलर एंड फाउंडेशन को. एंड फॉर द सेम आई एम गोना यूज मिस्टर ऑफ मिलान का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड बफिंग ब्रश के हेल्प से मैं अपना नेक एरिया एंड फेस एरिया जहाँ पे मुझे ऑयल ज़्यादा आता है वो मैं अच्छे से कवर कर लूँगी. इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का रॉक न्यूड्स पैलेट एंड इसे डार्क ब्राउन शेड लेके मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी. बहुत ज़्यादा अच्छा शेड है आईब्रो, आपकी जो ब्राउज होती है उनको एक नेचुरल लुक देता है. देन मैं वेगा का कोम ले रही हूँ, जो कोम ब्रश होता है उसके हेल्प से आईब्रोज को कोम कर रही हूँ फिनिश लुक देने के लिए. नेक्स्ट मैंने इस आईशेडो पैलेट से लाइट ब्राउन का शेड पिक किया है एज अ ट्रांजिशन शेड एंड इसको आपको थोड़ा सा क्रीज से ऊपर जाते हुए ब्लेंड करना है ताकि जो भी आप कलर्स बाद में यूज़ करते हैं वो आसानी से वो मतलब काफ़ी अच्छे से पॉपअप होकर आई मीन उभर के नजर आए. तो इस तरीके से मैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. देन मैंने थोड़ा सा एक डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड यहाँ पे मैं प्रो आर्ट का ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ. इस कलर को मुझे डिपॉजिट करना है आउटर वी कॉर्नर्स में एंड इनर वी कॉर्नर्स में. एंड जब आप डार्क कलर लेते हैं ना ट्रांजिशन शेड के बाद तो मेक श्योर उसको क्रीज से आपको थोड़ा नीचे ही उसको आपको ब्लेंड करना है, क्रीज से नीचे आपको अप्लाई करना होता है. एंड सेम शेड को ही मैं नीचे भी अपने जो मेरी लैश लाइन होती है वहां पे इसको मैं अप्लाई करूंगी. देन मैं एक फ्लफी सा क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेके सारे कलर्स ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रहें. नाउ दिस पैलेट गाइस इट्स सो अमेजिंग. यहाँ से मैंने ये गोल्डन सैटिन शेड लिया है विच इज अ ग्लिटरी शेड एंड मैं इसको अपनी जो मिडल पोर्शन होता है आईलेट का वहां पे अप्लाई करूंगी अपने फिंगर के हेल्प से. एंड सेम प्रो आर्ट का जो ब्रश है उसमें ब्राउन कलर है उससे मैं अपने कलर्स जो है वो ब्लेंड कर लूंगी ताकि हार्श लाइंस नहीं रहे. नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का ग्लिटर, इसको मैं फर्स्ट टाइम अपने वीडियो में यूज कर रही हूँ गाइज. इट्स लवली. तो इसको मेरे आउटफिट से मैं मैच करते हुए यूज कर रही हूँ एंड एक फ्लैट मैंने वेगा का एक आई शेडो ब्रश लिया है तो ये फ्लैट ब्रश के हेल्प से मैं इसको पिक करके उसी मिडिल पोर्शन में मैं अप्लाई करूंगी जहां पे मैंने अपना सैटिन ग्लिटर शेड अप्लाई किया था. एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको अप्लाई करें एंड इससे कोई फॉल आउट्स नहीं रहेंगे बिकॉज इसमें ऑलरेडी ग्लू रहता है. दोबारा से अपना प्रो आर्ट का जो ब्रश है उसके हेल्प से कलर्स आपस में मिक्स कर लूंगी ताकि हार्श लाइंस नहीं रहे. फिर आई एम टेकिंग गाला ऑफ लंडन का मस्कारा अपने आईज को वॉल्यूमलाइज लुक देने के लिए एंड आई एम यूजिंग दिस लैक्मे का 9 to 5 आई लाइनर एंड थिक या थिन आप अपनी प्रेफरेंस से ही अप्लाई कर सकते हैं. देन मैं ब्रॉन्जर की हेल्प से अपने फेस को एक वार्म्थ प्रोवाइड कर रही हूँ बिकॉज फेस्टिवल सीजन में मुझे बहुत अच्छा लगता है यू नो रात के टाइम पे कि यस आपके फेस पे ब्रॉन्जर होना चाहिए ताकि आपको अच्छी सी वार्म्थ मिले. एंड द सेम वे इसी पैलेट से मैं यूज कर रही हूँ ब्लश, एक
पिंकी सा न्यू टच देने के लिए आपके चीक्स को। एंड यस गाइस, मैंने जो आईलैशेस हैं वो पैक की यूज़ करी हुई हैं। नंबर सब कुछ डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एंड मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई किया था। देन आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का हाईलाइटिंग पैलेट। हाईलाइटर पैलेट से मैं अपनी हाईलाइटर पिक करके अपने जो इनर कॉर्नर्स होते हैं इसको उनको अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ। एंड अपने चीक बोन्स को हाईलाइट कर लूंगी। जो भी आपको एजेस लगते हैं आपको हाईलाइट करने चाहिए, लाइक द ब्रिज ऑफ योर नोज, योर चिन, योर क्यूपिड्स बो, तो इससे काफी ज्यादा प्यारा और ग्लोइंग सा लुक आता है। एंड यस, हाउ कैन आई फॉरगेट माई ब्राउ बोन्स, तो मैं अपने ब्राउ बोन्स को भी हाईलाइट कर लूंगी। एंड आई एम यूजिंग अ स्विस ब्यूटी का ये लिप शेड विच इज रियली रियली ब्यूटिफुल। इट्स अ मॉव कलर शेड, इट्स माई फेवरेट फेवरेट कलर एंड गोज विद माई आउटफिट एज वेल। देन एट लास्ट मैं अपना मेकअप सेट कर लूंगी स्विस ब्यूटी के मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ। एंड यस, इसके बाद मैंने जो झुमकेज है, अपनी ज्वेलरी है वो वेयर की है। एंड यस, दिस कंप्लीट्स माय एंटायर मेकअप लुक। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। सो यस गाइस, आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो सून। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।